देवी श्वेतांबर धारिणी सरोज लोचन कमल करे नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आपको जो कलाकार नजर आ रही हैं वो इस देश की बेहतरीन ओडिसी नृत्यांगना है। आरुषि मुद्गल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, बातचीत करेंगे उनसे। लेकिन सबसे पहले आरुषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र जी। पहला सवाल तो हो सकता है कि आपने अब तक इसका, मुझे लगता है, सैकड़ों बार जवाब दिया होगा, लेकिन उस सवाल को पूछे बिना बातचीत शुरू नहीं हो सकती। जिस परंपरा से आप आती हैं, उस परंपरा में निश्चित तौर पर गायन, वादन, नृत्य, ये सब कुछ बचपन से कान में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जा रहा होगा, घुंघरुओं की आवाज से लेकर और हारमोनियम, तबला, सब कुछ। लेकिन आपकी सीखने की शुरुआत कैसे हुई, आपने कैसे सीखना शुरू किया? कोई हाथ पकड़कर ले आया कि देखो जरा सीखो घर में क्या होता है, या आप खुद से गई कि ये हो क्या रहा है, मुझे भी सिखाओ? हाँ, ऐसे ही रहा, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि हम लोग गांधर महाविद्यालय में ही, मेरी बहन और मैं, मतलब वी हैव ग्रोन अप हियर। तो जैसे कहते हैं कि सुबह उठते ही कानों में तानपुरे की आवाज़, घुंघरुओं की आवाज़, कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, गाने की क्लासेस चल रही हैं, उनकी आवाज़। तो इस तरह के ही इन्वायरमेंट में हम लोग दोनों पले बड़े हैं और आज भी वही चल रहा है परंपरा। सो इट्स नॉट लाइक एनीथिंग इज चेंज्ड। In that sense, वो जैसे चल रहा था वो म्यूजिक, वो ही डांस, वो ही क्लासेस और बढ़ गई हैं। तो उस तरह के एनवायरनमेंट में I've been brought up, and I think एक नेचुरल था इंक्लिनेशन टुवर्ड्स म्यूजिक एंड डांस। ऑफ कोर्स था, मतलब आसपास तो था ही, और एक आकर्षित भी थी मैं नृत्य और संगीत की ओर, और शायद नृत्य की ओर ज्यादा, क्योंकि बचपन में माधवी जी, जो मेरी बुआ हैं, वो जब नीचे क्लास लेती थी तो मैं उनकी क्लास में जाके बैठ जाती थी और उनकी जो भी वो मुद्राएं कर रही हैं उनको कॉपी करने की कोशिश करती थी। तो इस तरह से आई थिंक वो इंटरेस्ट खुद में ही था कि एक वो जो एक अट्रैक्शन टुवर्ड्स डांस नेचुरली वाज देयर इन मी। एंड फिर आई थिंक इट वाज जस्ट वेरी नेचुरल कि जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो 4-5 साल की उम्र से सीखना शुरू कर दिया, फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू कर दी माधवी जी के साथ। तो और गाना भी सीखा है, गायन में भी शिक्षा प्राप्त की है और नृत्य में भी, बट आई थिंक डांस वाज माय कॉलिंग। आरुषि, आप जिस परंपरा से आती हैं, अगर हम उसके बहुत इतिहास में ना जाएं और अभी के जो मौजूदा समय की बात कर लें, पद्मश्री माधवी मुद्गल जी को कौन नहीं जानता, मधुक मुद्गल जी को कौन नहीं जानता, उनकी गायकी, उनकी उनके भजन और उनका उनका शास्त्रीय गायन, ये सब कुछ हम लोग उनको, उनके इस तरह से कहा जाए कि बहुत ही सम्मान से इन कलाकारों का नाम लिया जाता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आपके बचपन में ले चलता हूं, जब ये लोग आपको बताते रहे होंगे कि बेटा देखो हमारी परंपरा क्या है, हम किस परंपरा से आते हैं, हमारे यहाँ कौन कौन से कलाकार ऐसे ही आते थे और गंधर्व महाविद्यालय में बैठे रहते थे, और कैसे उनके बीच बातचीत होती थी, जुगलबंदियां होती थी, संगत होती थी। तो वो जो संस्कार, वो जो बहुत सारे कलाकारों से आप मिली नहीं होंगी क्योंकि तब आप पैदा ही नहीं हुई होंगी, लेकिन बहुत सारे कलाकारों के किस्से आपको इनडायरेक्टली बताए गए होंगे जो आपके जहन में होंगे, उनके बारे में कुछ याद करके बताइए। हाँ,
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शिवेंद्र जी. बचपन से ही खाने के टेबल पे जब बैठते हैं तो जो कॉन्वर्सेशंस हैं सारी वो म्यूजिक, डांस, आर्टिस्ट से रिलेटेड रही हैं. और ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती थी कि पहले ऐसे ऐसे ये कलाकार आते थे, उन्होंने ये कहा और इतनी अच्छी बात है, कितनी सीखने वाली बात है. इस तरह से ऐसे ही हमने एक्चुअली बहुत कुछ सीख लिया है. मैं तो कहूंगी कि ज्यादा ट्रेनिंग हमारी खाने के टेबल पे ही हुई है, क्योंकि हमारी एक ये है, एक ट्रेडिशन है कि हम लोग सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं बचपन से आज तक. तो वो नाश्ता, लंच, डिनर तीनों मील एक साथ सब लोग, पूरा परिवार जो जो है सब साथ में मिलके खाते हैं. और हर बार कुछ ना कुछ बातचीत इसके आसपास ही होती है, म्यूजिक डांस रिलेटेड ही होती है. और बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें सीखी हैं ये सब बड़े लोगों की, सीनियर्स की, गुरुजनों की बातें सुन के, उनके किस्से सुन के. कुमार जी, बड़े बाबा जिन्हें हम कहते हैं, जिनसे पंडित कुमार गंधर्व जी, तो बाबा उनके, मेरे पिताजी उनकी बातें बताते हैं कि कैसे तानपुरे के लिए उनकी क्या रिस्पेक्ट रहती थी. और मतलब जब वो ट्रैवल करते थे ट्रेन में तो साथ में तानपुरे के लिए एक अलग सीट बुक की जाती थी उनकी, तानपुरे अपने साथ ले जाते. तो इस तरह की बातें जो कि सोच के भी लगता है कि वाह क्या, मतलब वो क्या तो समय रहा होगा म्यूजिक और डांस वर्ल्ड के लिए, और किस तरह के वो सब आर्टिस्ट थे. तो बहुत कुछ सुन के सीखा है. पर ये भी है कि कभी भी परंपरा और लेगेसी या इस तरह से कभी भी उसको एक डॉन्टिंग फीलिंग कभी भी नहीं आई, और ना ही कभी दिया गया है उसे वो चीज एक फॉर्मल या लाइक वेट ऑफ ट्रेडिशन और लेगेसी और एनीथिंग लाइक दैट, वो कभी भी फील नहीं किया हमने. क्योंकि उस तरह से कभी हमें बताया नहीं गया, और ना ही ये बोला गया कि हम ऐसे हैं, और हम ऐसा कभी हुआ ही नहीं है. और ना ही मेरे परिवार में जो लोग जानते हैं उन्हें, वो जानते हैं कि वो सब लोग बहुत सिंपल हैं एंड ग्राउंडेड हैं. तो ये वाली जो एक बात है कि हम लोग एक किसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, वो कभी हमने उस तरह से सोचा नहीं है. और ना ही उस, मतलब आई डोंट थिंक लाइक इट्स, परंपरा इज टू बिग फॉर एनी वन पर्सन टू से दैट आई एम टेकिंग इट फॉरवर्ड और एनीथिंग लाइक दैट. वी आर ऑल काइंड ऑफ फ्लोइंग इन दिस रिवर आई वुड से. एंड उस तरह से हम लोग उससे ले रहे हैं, उसको दे रहे हैं, इट्स लाइक अ प्रोसेस. और सीख रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उसी चीज में आगे बढ़ रहे हैं. तो उस तरह से मैं इसको देखती हूँ. तो जैसे आप कह रहे हैं, तो एक परंपरा के जो लाइक आई सेड, इट्स नेवर फेल्ट डॉन्टिंग टू अस इन दैट सेंस. इसको मैं थोड़ा सा अगर और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करूं तो जो आप कह रही हैं उसका मतलब क्या हम ये निकालें कि आप लोगों को कभी भी, जब भी आपने बहुत अच्छी बात कही, खाने की टेबल पे बहुत सारा संवाद होता था, कभी उस परंपरा से डराया नहीं गया? आपको कभी ये नहीं कहा गया कि देखो 18 घंटे रियाज कर पाना तभी आगे बढ़ना, वरना ये हमारे परिवार का नाम मत खराब करना, या ऐसा मत करना या वैसा मत करना? वो जो एक एक पिता या एक बुआ या एक गुरु या आपके अपने ही घर का कोई एक वरिष्ठ कलाकार सहजता से बताता है कि बेटा मन से करना, जो भी करना अच्छे से करना, बाकी सब चीज निकाल के करना, एंजॉय करना, जो भी करना उसको जब वो खुद को अच्छा लगेगा तभी वो दूसरों को भी अच्छा लगेगा, क्या इसी सहजता की बात कर रही हैं आप? जी, सहजता की, बिल्कुल आपने ठीक कहा, सहजता की बात है. और बात ये भी है कि ये जरूर कहा गया है कि रियाज करना चाहिए, बट ये जैसे कि किस कोई भी चीज कंपल्शन नहीं रही कि ये आपको करना ही पड़ेगा, या आपको म्यूजिक ही करना है, या आपको डांस ही करना है. ये कभी नहीं हुआ था. हमें, हमारे पास वही चॉइसेस थी जो हर बच्चे के पास होती हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, चाहे आप इंजीनियर करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या डॉक्टर बनना चाहते हैं, या व्हाट एवर यू वांट टू बी. हमारे पास वो चॉइस और वो फ्रीडम थी अपना प्रोफेशन चूज करने की. और हमने खुद, मेरी बहन और मैंने खुद अपने प्रोफेशन चूज किए. मैंने डांस किया है, उन्होंने म्यूजिक किया है. तो ये हमें वो फ्रीडम दी गई थी जिसकी वजह से वी फील कि ये हम अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से कर रहे हैं. और दूसरी बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि जो भी, मतलब रियाज जरूर करें. और बाबा ये भी बताते हैं, पंडित जसराज जी कहते थे कि जैसे
अब मुझे ठीक से ऐसे ख्याल नहीं है, पर वो इतने दिन अगर आप 5 दिन रियाज नहीं करते तो आपका इतने पीछे चले जाते हैं आप अपने उसमें, और अगर आप 1 हफ्ता नहीं करते तो इतने पीछे, 15 दिन पीछे, 1 महीना पीछे, ऐसे ऐसे करके, तो वो सारी बातें ना कहीं पे जाके जमा हो जाती हैं। और फिर आपको जैसे एक दिन अगर कहीं कुछ काम से, किसी और रीजन से आप नहीं कर पाए प्रैक्टिस, तो एक मन में लगता है कि अरे आज मिस हो गई, तो यू नो यू हैव टू मेक अप फॉर इट। बट लाइक आई सेड कि वो उसका एक जबरदस्ती वाली बात नहीं थी, तो हमें सारी चीजें सिखाई गई हैं और बताई गई हैं, और हमने, और उससे ज्यादा मेरे ख्याल से बात ये है कि बाबा को रोज देखते हैं, नियम से सुबह उठ के रियाज करते हैं, क्लास लेते हैं, शाम को रियाज करते हैं, और वो चीज हर दिन होती है विदाउट फेल, चाहे हम छुट्टी पे गए हों, कहीं पे भी हों, तो वो जो उनका रियाज होता है, वो साधना होती है, वो होती है। माधवी जी रोज विद्यालय आके प्रैक्टिस करती, तो ये चीज हमने अपनी आंखों से देखी है, तो फिर हमें मतलब हमें और कुछ और कहीं जाने की जरूरत नहीं, और कुछ सोचने की जरूरत, मतलब देयर आर एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ अस कि ये चीज हो रही है और उसका हम फल देखते हैं। मतलब वो जो एक डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिसिप्लिन, इट्स वी कैन सी कि उसका क्या रीजन है, किस लिए कहते हैं कि रियाज, क्योंकि उसका हम देखते हैं किस तरह से वो खिलता है, किस तरह से वो ईज और नेचुरली फिर निकलने लगता है, चाहे वो संगीत हो या नृत्य हो, तो उस चीज की बहुत वैल्यू है हमें, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि हमने अपनी आंखों से उस चीज को देखा है, तो इसीलिए हम उसी चीज को आगे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि कुछ चीजें आप देखते हैं और आपके मन में आप उस पे नहीं विश्वास करते, या यू आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट इट, बट व्हेन यू सी समथिंग दैट यू फील सो कन्विंस्ड अबाउट, देन देयर इज नो रीजन फॉर नॉट टू फॉलो इट। हमारे पास कोई रीजन नहीं है कि हम इस चीज को ना फॉलो करें कि प्रैक्टिस की जो एक बात कही है, क्योंकि, और वो चीज हमने खुद भी अपने ऊपर भी देखी है, जब रियाज अच्छा चल रहा हो सॉलिड, और फिर जब जो एक फ्लो करके अपना डांस आता है, स्टेमिना जो होता है, हर चीज, मतलब टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर आर्ट, not of your art but in sense of your own instrument, जैसे dancer के लिए हमारी body हमारा instrument है, तो उस चीज पे अपना पूरा control होना कि हाथ कहाँ जाना है, balance कैसे रहना है, stamina कैसा होना चाहिए, तो वो चीज practice से ही आ सकता है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई shortcut नहीं है। अरुषि, हम अभी आपके अपने डांस जर्नी पर आएंगे, लेकिन एक सवाल और पूछना चाहता हूँ मधुब जी से जुड़ा हुआ और माधवी जी से जुड़ा हुआ। इन लोग के रियाज का अभी आपने जिक्र किया और आपने कहा कि ये हर रोज रोज की मतलब बात है, आप कहीं बाहर घूमने गए हो, चाहे कहीं भी गए हो, लेकिन सुबह वो रियाज होना ही होना है और शाम को वो रियाज होना ही होना है, और उसके बाद ही वो नियंत्रण आता है, इसमें कोई मतलब कोई इफ एंड बट है ही नहीं, ये तो हम लोग भी बाहर से जिसका संगीत से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है फिर भी समझ में आता है। आपको जब उन रियाज के सेशंस में बैठने का मौका मिलता है, और आज से नहीं बचपन से मिलता आया है, मतलब जब आप 3, 4, 5, 6 साल की रही होंगी तब से लेके और आज भी जाकर अगर आपको बैठ के मधुब जी के रियाज सेशन में बैठ के सुनना है तो आप जाके बैठ जाती होंगी और वो बड़े आराम से सुन सकती हैं आप, ये सौभाग्य कहना चाहिए आपका है। चमत्कृत करता है कई बार इन लोग का रियाज, ऐसा लगता है कि मतलब ये लोग किसी और ही दुनिया में चले गए हैं रियाज करते वक्त। जी बिल्कुल लगता है, और बल्कि मतलब मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि एक जो एक प्योर ऑडियंस है जो सिर्फ सुनने या सिर्फ डांस देखने और उसमें डूबने के इंटेंशन से जो आती है, जब हम कभी घर पे कुछ
बैठक इतना फॉर्मल ना भी हो, या बस कुछ लोग आए हों, आर्ट लवर्स आए हों, और उनके साथ कभी बाबा का जैसे अगर कुछ, जैसे अगर कोई प्रोग्राम है उससे पहले अगर एक सेशन कर रहे हो, फाइनल प्रैक्टिस या कुछ, और कुछ लोग आके बैठते हैं, वो वाला जो एक समा बंधता है उसका मतलब उसका कोई पैरेलल नहीं है। मैं उसके बारे में उसका कोई शब्द नहीं कह सकती, क्योंकि वो एक अदरवर्ल्डली एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली बाबा के म्यूजिक के साथ, बिकॉज इट्स सो डीप, और वो इतने एक इनवर्ड जर्नी होती है। तो अगर आप उनके साथ उस इनवर्ड जर्नी पे चले जा पाए, अगर आप भी साथ में उनके जा सके, तो वो इतनी सुंदर जर्नी होती है। मतलब वो जहां जहां उन अपने म्यूजिक नोट्स के साथ आपको ले जा रहे हैं, और अगर आप साथ में चलते हैं, तो मतलब इट्स डिवाइन, इट रियली इज डिवाइन दैट एक्सपीरियंस। एंड आपने जैसे कि कहा, ये सौभाग्य है मेरा, चाहे मैं उनकी बेटी की तरह कहूँ या मैं एक बस रसिका की तरह कहूँ, जिस तरह का संगीत सुनने का मुझे मौका मिला है अपने पिताजी के थ्रू, इट्स एन अदर एक्सपीरियंस, इट्स मतलब इट्स रियली डिवाइन। एंड आई डू बिलीव कि इस तरह से जो बैठक होती है या एक इंटिमेट ऑडियंस के लिए कोई प्रोग्राम या रिहर्सल की जाती है, ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि जैसे अगर मेरा कोई प्रोग्राम होता है तो मैं यूजली क्या करती हूँ, अगर मैं कुछ न्यू क्रिएशंस प्रस्तुत करने जा रही हूँ उस प्रोग्राम में, तो उससे पहले एक फाइनल रिहर्सल के लिए मैं कुछ अपने बहुत ही क्रीम या क्लोज ऑडियंस है जो उन जिनको मैं बुलाती हूँ उस रिहर्सल के लिए, और वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, एक मतलब उसमें एक वननेस आती है, एक आईक्यू जैसे कहते हैं, एक हो जाते हैं अगर सब कुछ, सब स्टार्स अलाइन हो जाए तो वो चीज जो एक एक्सपीरियंस होता है एज एन आर्टिस्ट और इवन एज ए रसिका, वो बहुत सुंदर है, और उसका कोई उसके मतलब यू कैन नॉट कंपेयर इट टू एनीथिंग एल्स, इट्स रियली ब्यूटीफुल। बिल्कुल, उस अनुभव की तुलना किसी और चीज से करी ही नहीं जा सकती, और वो एक तरह की अलौकिक अनुभूति है जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं। और कुमार जी तो कहा भी करते थे कि किसी एक राग को सिर्फ आरोह अवरोह या वादी संवादी से पकड़ने की बजाय उसका 360 डिग्री देखना चाहिए। वो बहुत कुमार जी के तो इतने किस्से हैं हम लोगों के पास कि अगर कुमार जी पर बात करने बैठ जाए तो फिर दिन ही खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छी बात वो कहते थे कि हाथी को सिर्फ पूंछ से मत देखो, चारों तरफ से देखो हाथी को, तो राग को भी चारों तरफ से देखो। और संभवतः जो बात आपने कही कि जब आप मधुब जी की गायकी में डूबते हैं और वो रागों में एक एक सुर की बढ़त के साथ जिस रास्ते पर चल रहे होते हैं, अगर आपने उस रास्ते को उनके साथ पकड़ लिया तो फिर वो रास्ता आपको जहां ले जाएगा उससे बड़ा सुख कुछ जीवन में हो ही नहीं सकता। खैर, अरुषि वापस लौटते हैं इस बात पर, और फिर एक बार बहुत ही बुनियादी सवाल, गायन क्यों नहीं, ओडिसी क्यों? नेचुरली ऐसा ही था, क्योंकि इसमें कोई डिस्कशन नहीं था, इसमें कोई एनालिसिस नहीं था, या सोच समझ के डिसीजन मेकिंग की गई हो, ऐसा कुछ नहीं था। गाना भी सीखती थी, डांस भी सीखती थी, बट नेचुरल इंक्लिनेशन डांस की तरफ ज्यादा था शायद, और गाना बहुत पसंद है मुझे, मतलब मैं हर वक्त गुनगुनाते रहती हूँ घर में, कहीं पे भी, एयरपोर्ट पे भी, कभी कभी लोग मुड़ के भी देख लेते हैं, बट मतलब मैं सिर्फ गाते रहती हूँ। और अब जब मास्क है तो उसके साथ और मजा आता है, क्योंकि पता भी नहीं चलता आवाज कहाँ से आ रही है, तो बस गाते रहती हूँ। तो आई रियली एंजॉय सिंगिंग, बट आई थिंक एक सिंगिंग में जो आनंद है ना, उसको बस गलत गाओ, सही गाओ, कैसे भी गाओ, वो वाले में मुझे मजा आता है, पर डांस को मुझे पूर्ण रूप से करने में मजा आता है, कि मतलब मैं उसकी हर डिटेल में जाऊं उस तरह से। और ऑफ कोर्स डांसिंग का मतलब, जैसे कहीं पे भी बस डांस करना शुरू कर देना, उस तरह का बचपन से ही था, तो वो तो इंक्लिनेशन ही था, एंड विच इज वाई इट वॉज अ वेरी नेचुरल डिसीजन। इसमें मैंने जैसे कहा कि ज्यादा सोच विचार ऐसा कुछ नहीं किया गया, वो बचपन से ही बस चल रहा था, और उसी में ही मैं बस आगे चलती रही, तो इट वाज अ वेरी ग्रेजुअल डिसीजन।
अब चलिए ये भी बता दीजिए, जब आपने ये बता दिया कि आप हर वक्त गाती रहती हैं, तो क्या गाती हैं? मतलब वो उसमें प्योर क्लासिकल की ही चीजें होती हैं, कुछ कुछ भजन भी होते हैं, कभी कोई ठुमरी हो गई, किस तरह की चीजें गाती गुनगुनाती हैं, किन कलाकारों को गाती गुनगुनाती हैं? सब कुछ मतलब शास्त्रीय संगीत, भजन, फिल्मी गीत, ठुमरी, जो भी मन में चल रही हो उस वक्त तो वो गाते रहती हूँ। और उसमें मतलब मुझे मजे आते हैं कि मैं जैसे लाइन है उसको थोड़ा सा यहाँ से भी गा दो और वहां से भी गा दो और कैसे भी गा, क्योंकि वही जैसे मैंने कहा, क्योंकि फॉर्मल मतलब बिकॉज इट्स नॉट माई प्रोफेशन, तो मुझे सही गलत का उसमें वो डर नहीं रहता। केयर फ्री, हाँ डर भी नहीं रहता, डर तो खैर वैसे नहीं है, बट मतलब एक वो कि नहीं अरे ये गलत हो लग रहा है या ये सुर इस राग में नहीं आता, नहीं मुझे चलेगा, जब मैं गा रही हूँ मजे के लिए तो मुझे मतलब आई एंजॉय सिंगिंग, सो आई डू इट फॉर माई सेल्फ, तो वो एक जो मजा है उसमें, तो इसलिए उसमें सब कुछ है ना, ऐसे कोई ये है कि मैं किसी फिक्स कलाकार के ही गाऊंगी या भजन ही गाऊंगी या सब कुछ। मैंने तो संगीत सीखा नहीं है, लेकिन कई बार मेरे साथ भी होता है, सुबह सुबह कुछ ऐसा सुन लिया कि फिर वो पूरे दिन ऐसे घूमता रहता है, 360 डिग्री, लगता है कि बस इससे बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। अभी रिसेंटली बहुत दिन बाद मैंने वो सुन लिया था, जागू में सारी रहना और बलमा, वो प्रभा अत्रे जी का, और फिर उसके बाद वो पूरे दिन दिमाग में ऐसा चलता रहा, और मैं तो विशुद्ध रूप से मतलब गलत ही गाता हूँ, लेकिन वो जो बात आप कह रही है मैं वो समझ सकता हूँ कि फिर वो उससे निकलने का मन ही नहीं करता। खैर अरुषि, एक चीज और, बहुत बहुत ही आसान भी है, बहुत कठिन भी है। जब आप किसी बहुत छोटे से एक बच्चे से कनेक्ट करती हैं, अगर मान लीजिए, चूंकि हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है रागगिरी, हमारा मकसद ही ये है कि हम कलाकारों के बारे में अवेयर करें, इस कला के बारे में अवेयर करें। देखिए, शास्त्रीय संगीत को हम बढ़ावा नहीं दे सकते, वो बढ़ावा देने का काम अपने आप वो बढ़ रहा है, उसको जहां बढ़ना है वो वहां बढ़ रहा है। हम सिर्फ अवेयर कर सकते हैं, हम इस देश में छोटे बच्चों को बता सकते हैं कि ओडिसी नृत्य क्या है, या हमारे देश में जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं। अगर एक छोटा सा बच्चा आज आपसे आके एक सवाल पूछे कि दीदी ओडिसी डांस क्या होता है, कौन सी 2-3 चीजें आप उसको बताएंगी जिससे उसको समझ में आ सके, भले ही पूरी तरह ना समझ में आए, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है ये, मैं समझता हूँ, लेकिन आसान शब्दों में क्या समझाएंगी आप? सबसे पहले तो ये कि भारत में कुछ शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं जिनमें से एक उड़ीसी है, और उड़ीसी कहाँ से आता है, उड़ीसा से आता है, पर आज सिर्फ उड़ीसा तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में ये प्रैक्टिस किया जाता है। और फिर शायद मैं उन्हें ये कहूँ, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगी कि वो कैसे अलग है, उसके जो मूवमेंट्स हैं उसमें दो जो बॉडी पोजीशंस हैं, चौक है, त्रिभंग है, और उसकी जो एक लिरिकल लिरिकैलिटी है, लास्यपूर्ण नृत्य शैली कहा जाता है उड़ीसी को बहुत, और उड़ीसी की बहुत सी भंगिमाएं उड़ीसा के जो मंदिर हैं उनसे ली गई हैं, इसलिए उसके जो पोस्चर्स हैं मतलब बहुत ही सुंदर, आज भी अगर आप उड़ीसा में जाएं तो मंदिरों में वो पोस्टर्स आपको दिखेंगे, वो भंगिमाएं दिखेंगी जो हमारे नृत्य उड़ीसी में होती हैं, प्रैक्टिस की जाती हैं, तो इस तरह से, और बहुत खूबसूरत है और करने में बहुत आनंद आता है, तो उसको जरूर कहूंगी कि वो ट्राई करें। बहुत ग्रेसफुल भी है, बहुत ग्रेसफुल है, मैंने कहा बहुत लास्यपूर्ण है, बहुत ग्रेसफुल है, और सारी मूवमेंट्स बहुत राउंडेड होती हैं, जैसे भरतनाट्यम में एक लीनियर मूवमेंट स्ट्रेचेस का इम्पैक्ट होता है, उड़ीसी में बहुत ही राउंडेड और ग्रेसफुल मूवमेंट्स होती हैं, बहुत ही लास्टिक और वेरी लिरिकल डांस फॉर्म, बहुत ही जैसे लहरें होती हैं, और जो इसका इसकी इसका जो परिधान है, मतलब चाहे वो परिधान कह लें, पोशाक कह लें, या कह लें कि इसकी जो इसका जो साज सज्जा भी कह सकते हैं आप इसकी, जिस तरह से साड़ी है, फिर जिस तरह से बिंदी है, जिस तरह से कमर पे वो एक पेटी जैसा जो आप लोग बांधते हैं, ये सब कुछ उसको ऐसा, जैसे जैसा आपने भी कहा कि वो बिल्कुल मंदिरों की मूर्तियों जैसा, बिल्कुल कई बार ऐसा प्रतीत होता है, जितनी मेरी समझ है, कि वाकई में आप एक एक किसी मंदिर के माहौल में पहुंच गए हैं, और वो बिल्कुल एक ऐसा
डिवाइन किस्म का फीलिंग आता है, तो ये भी एक मेरे ख्याल से वजह है जिससे लोग अट्रैक्ट होते होंगे जब आप कहीं बाहर जाके परफॉर्म करती हैं या इवन अगर इंडिया में भी परफॉर्म करती हैं तो. जी बिल्कुल. आई थिंक ओडिसी नहीं, सारे जो भारतीय नृत्य शैलियां हैं, क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया के, उनकी हर चीज यूनिक है, एक दूसरे से भी यूनिक है, और अगर हम विश्व में देखें तो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अद्भुत है एक्चुअली, क्योंकि इसमें हर एक फॉर्म में हम पहले अगर फॉर्म की बात करें, टेक्निक की बात करें, तो उसमें वो भिन्न है, अलग है, यूनिक है. और फिर जैसे कि आपने कहा पोशाक कॉस्ट्यूम, जो साड़ी पहनते हैं, जिस तरह से हम ज्वेलरी पहनते हैं, जिस तरह की सिल्वर की ज्वेलरी पहनी जाती है उड़ीसी में, और उसके जो हेड गियर होता है जो हम कूल पहनते हैं, शिखर अताहिया जैसे कहते हैं, और एक खास तरह की बेल्ट होती है बेंग पटिया जो हम पहनते हैं कमर पे, बहुत ही सुंदर होती है वो. तो ये सब ही बहुत ही खास हैं उड़ीसी के, और बहुत लोग इससे आकर्षित होते हैं कि कॉस्ट्यूम को देख के वो लगता है कि वाह, इसको मतलब इस तरह से मुझे भी सजना है. स्पेशली जब छोटे होते हैं तो उस तरह की चीजें, जो आहार्य है वो ज्यादा आकर्षित करता है उस समय. बट जैसे जैसे आप ज्यादा उसके बारे में जानते हैं तो आपको फिर वो टेक्निक और जो उसकी एक्चुअल जो डेप्थ है वो चीज पे ज्यादा आकर्षित करने लगती है. अरुषि, थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी बातचीत इसकी विषय वस्तु पर भी बताइए हमें. जो सब्जेक्ट है आपके डांस का, उसमें कौन सी चीजें जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रमुखता से आती हैं, और दूसरा इसी से जुड़ा प्रश्न ये भी कि क्या अब आधुनिक जो समय है उसमें क्या कुछ विषयों में बदलाव भी हो रहे हैं? जी बिल्कुल. ये उड़ीसी जो डांस फॉर्म है वो पहले मंदिरों में किया जाता था देवदासी द्वारा, उड़ीसा में इन्हें महारी कहते थे, तो महारी ट्रेडिशन था पहले, तो मंदिर में किया जाता था. नेचुरली एक स्पिरिचुअल एलिमेंट है ट्रेडिशनली उड़ीसी में. और फिर ये डांस फॉर्म छोटे लड़के लड़कियों के वेश में ये डांस करते हैं, जिनको गोटीपुआ ट्रेडिशन कहा जाता है. तो उसमें जब छोटे लड़के जब इस डांस फॉर्म को करने लगे तो उसमें एक बहुत ही जैसे एक्रोबैटिक मूवमेंट जिसको बंधन नृत्य कहते हैं, जिसमें स्ट्रेचेस होते हैं, स्प्लिट्स होते हैं, और अलग अलग जैसे कार्टवील्स और अलग अलग टाइप की चीजें इसमें इनकॉर्पोरेटेड हैं. तो बट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ वैष्णविज्म इन उड़ीसा, ये मोस्टली जैसे लॉर्ड जगन्नाथ का की वर्शिप की जाती है उड़ीसा में, तो जगन्नाथ जी की के जैसे कैसे कहेंगे उनकी उनको इन्वोक करते हुए उस तरह का सब्जेक्ट बहुत है. और कृष्ण के ऊपर, राधा कृष्ण के ऊपर बहुत से अभिनय हैं, और गीत गोविंद है जो जयदेव द्वारा रचित अष्टपदीज, तो वो की जाती हैं उड़ीसी में, उड़ीसी नृत्य में. और ट्रेडिशनली तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं ही, और मंगलाचरण में सिर्फ जगन्नाथ या विष्णु या कृष्ण के ही नहीं, बल्कि गणेश, शिव, पार्वती, सरस्वती, अलग अलग गॉड्स एंड गॉडेसेस के इन्वोकेशंस हैं, और राम के ऊपर रामायण के पीसेस हैं. तो ऐसे एक्चुअली अगर आप देखें तो सब्जेक्ट मैटर को लिमिट नहीं कर सकते, आप कह नहीं सकते कि बस ये होता है, क्योंकि डांस एंड ऑफ द डे इट्स अ लैंग्वेज, इट्स इन इटसेल्फ. तो आप कुछ भी सब्जेक्ट लें तो आप उसको डांस में आप प्रेजेंट कर सकते हैं, आप उसको पोर्ट्रे कर सकते हैं. आजकल बहुत कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स लिए जा रहे हैं, बहुत कुछ लोग सोशल इश्यूज पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग एब्स्ट्रैक्ट थीम्स पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग एंसेंबल वर्क में ज्यादा काम कर रहे हैं जैसे ग्रुप वर्क में. तो अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स हैं, और सभी कुछ किया जा रहा है, सभी कुछ वैलिड है. तो ये तो फॉर्म की रिचनेस है कि वो अलाउ करती है इतनी क्रिएशन और इतने एक्सप्लोरेशन. आपका एक अनुभव ओडिसी के एस्थेटिक्स पर जो किताब है उसके सह लेखक के तौर पर भी है,
वो एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब कई बार जैसे इसको मैं इसलिए समझना चाहता हूँ कि मैं बेसिकली एक क्रिकेट जर्नलिस्ट हूँ, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ, तो कई बार ये कहा जाता है कि बहुत अच्छा खिलाड़ी बहुत अच्छा कोच नहीं होता, जरूरी नहीं है, या बहुत अच्छा गायक बहुत अच्छा गुरु भी हो ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन आपका आपकी कला जब आप उसको लेखक के तौर पे लिखना शुरू करते हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा होता है? आपने कितना एंजॉय किया उसको और क्या आगे भी किताबें लिखेंगी? मैंने जो किताब लिखी थी प्रोफेसर एस के सक्सेना जी के साथ लिखी थी ऑन जी एस्थेटिक्स ऑफ ओडिसी डांस, तो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि ये पूरे प्रोसेस में मुझे बहुत सीखने को मिला, बहुत ज्यादा। एक राइटिंग का मुझे पहले से शौक था बचपन से, मतलब मुझे बहुत मजा आता था लिखने में। स्कूल में भी कुछ एसेज वगैरह लिखने होते थे, तो आई यूज टू एंजॉय दैट। एंड देन बीच बीच में फिर कुछ आर्टिकल्स लिखती थी किसी मैगजीन के लिए डांस की, या जर्नल के लिए, या न्यूज़पेपर्स वगैरह के लिए, उस तरह से शुरू हुआ था। फिर एक बार ही मैंने एक आर्टिकल लिखा था डांस, मतलब यू नो डांस इन द करंट टाइम्स करके, और सक्सेना साहब के पास वो आर्टिकल भेजा था, शायद मेरी माता जी ने भेजा था कभी, मुझे तो ख्याल भी नहीं है। तो उनका फोन आया था कि बिटिया तुम तो ठीक ठाक लिख लेती हो, तो तुम आओ मेरे पास, मैं उड़ीसी की एस्थेटिक्स पे एक किताब लिखना चाहता हूँ। तो फिर उनके साथ मैंने इस पे काम किया था, और वो दरअसल ये चाहते थे कि जो उड़ीसी प्रैक्टिस कर रहे हो एक्चुअली, उनके साथ मिलके वो किताब लिखी जाए, ताकि उस वो सक्सेना साहब हमेशा कहते थे कि जो भी आप लिख रहे हो हर शब्द बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, उसका रीजन होना चाहिए कि वो वहां क्यों है। ऐसे ही you know, हम लोग सोचते हैं तो थॉट्स को लिख दिया, ऐसे नहीं, हर एक शब्द का वजन है। तो उस किताब में, छोटी सी किताब है पर मैं जानती हूँ कि हमने जब काम किया था तो हर एक एक शब्द के पीछे कितनी वो सोच जाता था, जाती थी कि ये अच्छा ये शब्द रखें या वो शब्द रखें, और ऐसा क्यों करें, और मतलब पूरा इट वाज लाइक फॉर मी, मेरे ही डांस को जो मैं इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी, मैं उसको एक बाहर खड़े होके अब मैं डांस को व्यू कर रही थी, तो मैं एक अलग नजरिए से, अलग पर्सपेक्टिव से अपने डांस को देख पा रही थी, जो कि मेरे लिए बहुत ही एक सीख थी। और उस चीज को लेके फिर हम लोगों ने इस किताब पे काम किया था। तो मेरे लिए जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मेरा एक बहुत ही, इट वॉज ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस। एंड किताब खत्म होते ही, जैसे हमने जिस दिन किताब खत्म की उसके एक दिन बाद सक्सेना जी पास हुए, तो मुझे ऐसा लग रहा था बाद में शायद कि किताब ने ही उनको जैसे कि रोक के रखा हुआ था। मेरे तो मन में ये भी था कि काश हम नहीं ही खत्म करते उसे, चलने देते, बट क्योंकि वो जो 3-4 साल उनके साथ जो काम किया था मेरे लिए, मतलब मैं उनसे बहुत ही क्लोज हो गई थी, बहुत ही अटैच थी। ही वॉज इन हिज 90s और मैं तो अपनी बहुत ही छोटी थी तब, तो एक उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, सिर्फ राइटिंग के बारे में नहीं, एक आर्ट्स के बारे में, जीवन के बारे में, क्योंकि वो तो बहुत ही सीनियर स्कॉलर एस्थेटिशियन थे, तो वो सब सीखने को मिला उनसे। और उन्होंने मेरे माइंड एक नजरिया, एक कुछ एक दरवाजा के एक खिड़की खोल दी एनालिसिस, डांस के एनालिसिस के बारे में, या जनरली भी एक किसी चीज को कैसे एनालाइज करना है, कैसे लिखना है, तो एक अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो वो सब मैंने उनसे सीखा है। और मैं आज भी जब कुछ कर रही होती हूँ तो मैं आई कैन सी कि कैसे उसका इम्पैक्ट हुआ है मेरी लाइफ पे। देखिए, यही होता है जब हम लोग बहुत ही अनौपचारिक किस्म से बातचीत करते हैं तो समय निकल जाता है और पता नहीं चलता कब 40 मिनट निकल गए। खैर, आप एक सवाल जो मैं पूछता, जो अब मैं स्किप करता हूँ लेकिन बता जरूर देता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को, आरुषि को इंडिया टुडे जैसी प्रतिष्ठित मैगजीन से गेम चेंजर ऑफ इंडिया का एक जो विशेषांक था उसमें भी उनको फीचर किया गया था। इस तरह का उनका अपना सफर है, इस तरह की उनकी अपनी साधना है जिसमें अभी खैर बहुत लंबा सफर है, वो तय करेंगी। आरुषि, कभी एक आखिरी सवाल ये बताइए, कभी किसी ने आपसे ये कहा कि आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी है? ये आप कहना चाह रहे हैं तो कह दीजिए बट मैं वाकई मैं मानती नहीं हूँ ये नहीं, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि आपकी आपका नृत्य, आपका संगीत तो जितना अच्छा है उतना है ही,
लेकिन आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और ये बातचीत के दौरान समझ में आता है, जब आप 40 मिनट तक बातचीत करें तब समझ में आता है कि आपकी हिंदी अच्छी है, तो आप इसको एकदम बिल्कुल विशुद्ध कॉम्प्लीमेंट की तरह ले सकती हैं। थैंक यू, ये मेरी मदर को जाता है इसका श्रेय। चलिए, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू शिवेंद्र जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।